जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें से एक असम भी है जहां विधानसभा का चुनाव है। इन सब पे बात करने के लिए, असम के तमाम मसलों पर, मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका जी हिंदुस्तान पर। धन्यवाद प्रिया जी। सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बंगाल में तो दिया, मतलब 2 मई दी गई, असम में क्या 2 मई को बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाएगी? निश्चय ही, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि असम की जनता ने मन बना लिया है कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 5 वर्षों में उनका अनुभव रहा है, बल्कि आप इसको जोड़ दीजिए 7 वर्षों में, जब मोदी जी 2014 में आए थे, तो बल्कि मैं ये भी कहूंगा जो बीच का जो कालखंड रहा 2014 और 2016 के बीच में, जब यहाँ पर सरकार उतनी अनुकूल नहीं थी तो थोड़ी दिक्कतें भी आई, जो मोदी जी की प्राथमिकताएं थी उनको पूरी तरह धरती पे उतारने में थोड़ी दिक्कतें भी रही, लेकिन 2016 के बाद जब यहाँ पर भी भाजपा की सरकार बन गई तो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और समन्वय की व्यवस्था बनी है। और मुझे लगता है कि इसका लोगों के ध्यान में ये भी बात है और के मन में ये बात घर कर गई है कि मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में कम से कम 45 से 50 बार 45 to 50 times पूर्वोत्तर का प्रवास किया, दौरा किया, और उसमें से असम 35-40 बार आए। अगर आप कुल मिलाकर के सारे प्रधानमंत्रियों के दौरों की गिनती करें तो इतनी नहीं रहेगी। अच्छा, लीडर फ्रॉम सेंटर, इस बार के क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को या फिर उसके साथ जिस तरीके से AIUDF मिल गई है उसको आप हल्के में ले रहे हैं क्या? क्योंकि देखिए, बंगाल में जितने गर्म है आप, असम में उतने ही नरम है इस बार भी। नहीं, हम नरम नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हम नरम नहीं है, लेकिन जनता इस प्रकार भावुक होकर हमारे साथ जुड़ी है कि हमें बहुत ज्यादा उसमें गर्मी उस तरह की दिखाने की आवश्यकता नहीं है जिस तरह से कि बंगाल में है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी इज 24/7 365, तो हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव हो के ना हो वो हर समय काम में लगा रहता है, और यही परिणाम है। हमने 7 वर्ष बड़ी कड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बात कर रही हूँ CANRC की, उसमें से एक असम भी है जहां पर विरोध हुआ, लेकिन यहां की जनता को मनाने की कोशिश की गई, विश्वास दिलाने की कोशिश की गई, और इस बार के मैनिफेस्टो में उसका जिक्र भी आपने किया है, लेकिन लोगों के मन में डर है। हकीकत यह है कि कांग्रेस चाहती है कि CA का एक मुद्दा बने, पर मैं आपसे ये बात कहूंगा और 2 मई को ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि इस चुनाव में CA मुद्दा नहीं बन सका, क्योंकि लोगों में समझ आ गया कि जिस प्रकार की भ्रांतियां और गलतफहमियां कांग्रेस ने BJP के बारे में फैलाने की कोशिश की थी वो सारी ठीक साबित नहीं हुई। तो इस बार बंगाल तो आप एकदम सीना ठोक के कह रहे हैं कि इस बार 200+ बंगाल में, पहले क्या BJP की स्थिति थी ये भी हमने देखा, और इस बार आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन असम में तो आपकी सरकार है, तो आप असम में कितनी सीटें देना चाहेंगे? असम में बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पहली बार, एंड दैट मेक्स द ब्रेकिंग न्यूज इफ एट ऑल इट इज डिजर्व्स टू बी ब्रोकन, कि इट्स वन ऑफ द रेयर इलेक्शंस जहां पर के रूलिंग पार्टी 5 साल के बाद प्रो इनक्यूबेंसी लेकर के चुनाव में जा रही है, नॉट एंटी इनक्यूबेंसी। रोजगार को लेकर के BJP को विपक्ष भी घेरती रही है। असम की हम बात करें तो मैनिफेस्टो में ये जिक्र किया गया है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर्स में भी लोगों की बहाली की जाएगी, उन्हें युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो इसके लिए रोडमैप सर तैयार है? बिल्कुल, आपने 2022 मार्च डेडलाइन भी दे दी है। अब जहां तक रोजगार का संबंध है, ये ठीक है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात की गई है, लेकिन हर नवयुवक को या नवयुवती को सरकारी नौकरी दी जाए ये कोई सरकार नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार का ये दायित्व रहता है कि वो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, लाइवलीहुड। हमने ऐसे प्रोग्राम अनेकों शुरू किए हैं पिछले 4-5 सालों में, जो रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स हैं हमारे, वायबिलिटी फंड है विच प्रूव्ड टू बी हाईली सक्सेसफुल, बैम्बू इंडस्ट्री हमारी है, और मैं तो समझता हूँ कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट ना केवल इस रीजन के लिए, आपने जो कुछ भी किया उसको लेकर के आश्वस्त हैं कि इस बार जो फाइट है वो नेक टू नेक नहीं होगी, यानी कि एक तरफा जीत BJP की होने वाली? यकीनन होगी, इट्स गोइंग टू बी डिसाइसिव विक्ट्री, और यहाँ की जो जीत है इसका संदेश देश भर में सुनाई देगा।